हाय गाइस, मैं हूँ संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज संडे है गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्यूअर्स रिक्वेस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस आप लोगों ने पूछे थे कमेंट बॉक्स में, आज हम जानेंगे कि उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन की वजह से ट्रेन बंद है। द ट्रेन इज़ नॉट रनिंग Due to lockdown, the train is not running due to lockdown. क्या उसका घर अभी भी वही है? Is his house still there? Is his house still there? तुमने नंबर कब बदल दिया? पता नहीं चला। Didn't know when you changed the number. Didn't know when you changed the number. यार तू कम से कम एक बार बता तो देता। डूड एटलीस्ट यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बंस। शायद मैं ढूंढने आ जाता। मे बी आई वुड हैव कम टू फाइंड। मे बी आई वुड हैव कम टू फाइंड। पर तुमने बताया ही नहीं। बट You didn't even inform, but you didn't even inform. तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी हो गई क्या? Has your wife been delivered? Has your wife been delivered? खरे खरे पैर में दर्द हो गया। My leg is hurting while standing. यार क्या करता मैं तुम्हें बता के? डूड व्हाट्स द यूज़ ऑफ टेलिंग यू। डूड व्हाट्स द यूज़ ऑफ टेलिंग यू। बैठे बैठे मेरे कमर में दर्द हो गया। माई वेस्ट इज़ हर्टिंग वाइल सिटिंग। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। You shouldn't have gone there. You shouldn't have gone there. अब बताने से क्या फ़ायदा? What is the use of telling now? What is the use of telling now? महीना ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। Only 4 days are left for the end of the month. Only 4 days are left for the end of the month. आने वक्त आम लेते आना। Bring mangoes while coming. Bring mangoes while coming. हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए। We shouldn't laugh on anyone. We shouldn't laugh on anyone. डरो मत, कुछ नहीं होगा। डोंट बी अफ्रेड नथिंग विल हैपन। डोंट बी अफ्रेड नथिंग विल हैपन। तुम उसके इशारों पर नाचना बंद कर दो। यू स्टॉप डांसिंग ऑन हिज ट्यून। यू स्टॉप डांसिंग ऑन हिज ट्यून। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। Don't worry, I'll set everything right. Don't worry, I'll set everything right. वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काना चाहती है। She wants to provoke me against you. She wants to provoke me against you. वो जो कर रही है क्या तुम्हें सही लगता है? Do you think what she doing is right? Do you think what she doing is right? मैं जितना भी सबूत दे दूँ। Whatever evidence I give. Whatever evidence I give. फिर भी आप उस पर भरोसा करते हो। You still trust on her.
यू स्टिल ट्रस्ट ऑन हर। आप सब कुछ जानते हुए भी उसका पक्ष ले रहे हैं। यू आर टेकिंग हिज साइड इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। यू आर टेकिंग हिज साइड इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आप इस तरीके से बोल सकते हैं।